गुजरात टाइटंस प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। अब सिर्फ 3 प्लेऑफ के स्पॉट्स बचे हुए हैं और 5 टीमें इस समय लड़ाई लड़ रही है आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने की। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी वो 5 टीम है और अब किस टीम के यहां से कितने परसेंट चांसेस हैं आईपीएल के प्लेऑफ में जाने के। तो एंड तक वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अभी तमाम खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट सबसे पहले देते हैं। मई का महीना शुरू हो चुका है और आईपीएल अपने खुमार पर है, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करते हैं तो तमाम खबरें सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन भी दबाना। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप टेबल पर नजर डालते हैं। तो गुजरात टाइटंस पहुंच गई है पहली टीम दोस्तों, 5 टीमों में से पहली टीम जो कि इस समय दावेदारी कर रही है, ये दरवाजे पर खड़े हुए हैं और इस टीम के हम ये बोल सकते हैं कि 100% चांस है यहां से प्लेऑफ में एंट्री लेने के। वो टीम है दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। 3 स्पॉट्स बचे हुए हैं और उसमें से जो एक स्पॉट्स भरेगी ना, कोई सा भी हो, या तो लखनऊ नंबर 2 पर रहेगी, नंबर 1 पर रहेगी, या नंबर 3 पर, या नंबर 4 पर प्लेऑफ में रहेगी, बट रहेगी जरूर। बिकॉज राइट नाउ 10 मैचेस खेले, 7 जीते, 3 हारे, प्लस 0.3 का तगड़ा नेट रन है, 14 पॉइंट्स। अब देखो 16-18 पॉइंट्स में इजीली क्वालिफिकेशन है। एक मैच जीतना, इनको 4 मैचेस लखनऊ के समय बचे हुए, इजीली जीत लेंगे। नेट रन रेट भी अच्छा है, तो क्वालिफिकेशन तो लखनऊ का हो रहा है 100%। हम यहां से लखनऊ के चांसेस बता सकते हैं। तो भैया 5 टीमों में से पहली टीम 100% चांसेस लेकर, लेकिन दूसरी टीम भी है। तो दूसरी टीम यहां पर जो कि अपने चांसेस बना रही है वो है राजस्थान रॉयल्स की टीम। राजस्थान रॉयल्स ने 10 मैचेस खेले, पिछला मैच भी हार गए, ये लोग 6 जीते, 4 हारे, प्लस 0.3 का नेट रन रेट और 12 पॉइंट इस समय चल रहा है। तो विजय रथ रुखा है राजस्थान रॉयल्स का। अभी राजस्थान रॉयल्स को दोस्तों 4 मैचेस और खेलना है और राजस्थान 4 में से 2 भी जीत लेती है तो राजस्थान रॉयल्स क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन अगर यहां से राजस्थान रॉयल्स की टीम इसमें से बचे हुए 4 में से 3 हार जाती है ना, तो राजस्थान आउट हो जाएगी। तो राजस्थान को स्टिल हैव 50-60-70% काइंड ऑफ चांसेस है, बिकॉज भैया 4 बचे हैं, 2 जीतना है। अगर आप 2 नहीं जीत पाए आप बाहर हो जाएंगे, तो 2 जीतना है तो उसके लिए क्या है 50-60-70 इसी रेंज में। तो 50-70% चांस हम यहां से राजस्थान रॉयल्स के बता सकते हैं, बिकॉज पिछले मैचों में हार रही थी तो प्लेऑफ की गद्दी थोड़ी सी मुश्किल में पड़ी है। तीसरी टीम दोस्तों जो कि इस लिस्ट में हम रखा नाम बताएंगे, बट उससे पहले भैया कर क्या रहे हो, नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स खोलिए, आज के मैच के लिए अपनी टीम बना लीजिए। प्लेऑफ की दौड़ चल रही है, टीमें खेल रही हैं, प्लेयर्स पैसा बना रहे हैं, आप कहां से बनाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स खोलेंगे, MCP2022 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो भैया फ्री में 1500 रुपए, 20% का स्पेशल डिस्काउंट, VVS को हरा देंगे आज के मैच में, जो जीते अमाउंट का 5 गुना कैश और हर रोज 1 करोड़ रुपए का जैकपॉट। देर मत करना, मजा हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, खोल देना, यहाँ कहीं नीचे लिंक चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों अब तीसरी टीम की बात करते हैं। हमने 5 टीमों को आपको कहा था कि 5 टीमें इस समय कंटेंशन में है। तीसरी टीम जो कि इस समय कंटेंशन में है, ये भी एक तरह से दरवाजे पर ही खड़े हुए हैं, वो है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। अभी जब आईपीएल शुरू हुआ था कोई ने सोचा नहीं था कि SRH इतना अच्छा क्रिकेट खेलेगी, बट 9 मैचेस खेले, 5 जीते हैं, अभी तक 4 हारे हैं इन्होंने, प्लस 0.4 का बहुत मस्त नेट रन रेट है एंड भैया इनके 10 पॉइंट है। यहां से दोस्तों 16 पॉइंट क्वालिफिकेशन की अभी देखें तो SRH के पास अभी भी 5 मैचेस बचे हुए हैं। SRH की टीम यहां से 3 मैचेस जीतेगी तो SRH थ्रू हो जाएगी। तो SRH को अभी भी यहां से 5 में से 3 मैचेस जीतना है टू गेट 16 पॉइंट्स। एंड आई पर्सनली थिंक कि भैया चांसेस आर लेस देन राजस्थान रॉयल्स, चांसेस आर वेरी लेस देन LSG। तो फिर वही बात है, लखनऊ और राजस्थान अभी भी प्लेऑफ में मजबूत है और SRH के चांसेस कम है, बट स्टिल 40-60% चांसेस हम सनराइजर्स हैदराबाद के यहां से बता सकते हैं प्लेऑफ में पहुंचने के। अच्छा, ये तो तीन टीमें मैंने बताई, लेकिन 2 टीमें और हैं और जो चौथी टीम है वो है RCB की टीम। RCB प्लेड 10 मैचेस, विन 5, 10 में से 5 जीते, 5 हारे, -0.5 का नेट रन रेट, 10 अंक है। यहां से दोस्तों RCB की टीम को अपने 4 मैचेस बचे हुए हैं एंड इफ RCB नीड टू क्वालिफाई, RCB को यहां से 4 में से 3 मैचेस जीतने, जो कि डिफिकल्ट का टास्क होता, बहुत अच्छी क्रिकेट अब आपको यहां से खेलनी पड़ेगी। दूसरी बड़ी चीज है RCB का नेट रन रेट बहुत घायल है, -0.05 का नेट रन रेट है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि चांसेस आर वेरी लेस, तो 20-40% के करीब RCB के चांसेस हम यहां से बता सकते हैं, क्योंकि आपको बचे हुए 4 में से 3 मैचेस जीतने हैं, विच इज डिफिकल्ट और ये हार्ड टाइम्स दिखा सकता है RCB को। तो हम ये बोल सकते हैं कि RCB अब फंसी हुई है और इसका रीजन क्या है, पिछले 3 मैचेस लगातार RCB हारी हुई है, तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि RCB यहां पर स्टक हो गई है एंड टेबल पर फंस चुकी है और इसको मिडिल मॉडल बोलते हैं। और इसीलिए हमने कहा ना कि 5 टीमें हैं, 3 स्पॉट है, कौन भरेगा। तो RCB कंटेंशन में जरूर है बट चांसेस आर लेस।
उसके अलावा दोस्तों पांचवी टीम जो कि इस समय कंटेंशन में है वो है डीसी की टीम, 9 मैचेस खेले 4 जीते 5 हारे हैं, प्लस 0.58 का नेट रन रेट और 8 अंक इस समय चल रहे हैं। यहां से दिल्ली की टीम के पास 5 मैचेस बचे हुए हैं एंड इफ दिल्ली विंस ऑल 5 मैचेस दिल्ली 18 पॉइंट लेकर बैठ जाएगी भैया, बहुत ऊपर चली जाएगी। तो दिल्ली बचे हुए मैचेस जीत गई तो बहुत अच्छा, दिल्ली के पास एक एक्स्ट्रा मैच का एडवांटेज है। दिल्ली यहां से 4 मैचेस भी जीती तो 16 पॉइंट्स में क्वालिफिकेशन कर लेगी और दिल्ली का जो रिकॉर्ड है ना बहुत अनबैलेंस रहा, एक जीता एक हारा, एक जीता एक हारा इन्होंने पिछले मैचों में, तो वहां पर भी दिल्ली थोड़ी सी दिक्कत में है। तो दिल्ली के चांसेस की अगर मैं बात करूं तो यार देखो आपको 5 में से 4 जीतने, 10 से 15% या 20% चांसेस हम यहां से बता सकते हैं बिकॉज अब आपको मैचेस रियलिटी में जीतने। तो ये 5 टीमें थी दोस्तों जो दौड़ में, अब इसमें से कौन 3 स्पॉट भरेगा, तो मेरे को तो साफ साफ लखनऊ राजस्थान रॉयल्स SRH में ही लड़ाई दिख रही है और RCB थोड़ा सा पुश बैक कर सकती है, अदरवाइज बाकी टीमें चाहे वो पंजाब हो, KKR हो, चेन्नई हो, MI हो, चाहे वो मुश्किल में ही रहेंगी। तो ये मेरे हिसाब से टेबल का गणित था, 5 टीमें 3 स्पॉट, किसके कितने परसेंट चांस बताया आज के मैच के लिए। टीम जरूर बनाना, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है क्योंकि आज के मैच में मजा आ जाएगा। MCP2022 कोड डाल देना, नीचे लिंक है, देर मत करना। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेले।